पहुंच बंद है, बंद है, बंद है। ठीक है अबे यार दोस्तों, आज ये मुझे लगता है बहुत ही भगाने वाला है हमें। कैसी स्मेल है, क्या हुआ है, वोमिट आ रही है ना। और आज हमारे जो इनक्यूबेटर के अंदर हमने एग्स लगाए थे पिछले दिनों, वो भी मैंने तुम लोगों को दिखाने हैं कि भाई इनमें से बच्चे निकले हैं या खराब हो गए हैं वो। दोस्तों अभी भी मैं पेट हाउस के अंदर आया हूँ और चावल मैंने यहाँ पे डाले थे एक मिनट के अंदर, अभी मैंने कैमरा भी नहीं ऑन किया था, सभी पेट्स ने ना चावल सारे चट कर दिए हैं। और भाई रॉकी जो है ना आज रैबिट्स केज के अंदर गया हुआ है। रॉकी बाहर आ जा, मैंने रैबिट्स को और पिजन्स को आज खोलना था, लेकिन भाई ये सारी मुर्गियां जो है ना रैबिट्स केज के अंदर चली गई हुई है। आज मैंने कैट्स को बंद ही रखे, आज उनको ना शाम को खोलेंगे। दोस्तों कैट्स को जब भी हम खोलते हैं ना भाई, ये ना तो पिजन्स को ठहरने देती है छत पे और रैबिट्स के बिना पीछे पड़ी रहती है। आज तुम लोग अंदर ही रहोगे। इस वाले केज को देख के ना मुझे रैक्सी की याद आ जाती है। जैसे मैं मिनीसू के अंदर आता था ना भाई, रैक्सी यहाँ से निकलता था और चिपक जाता था। न्यू वाला डॉग आ रहा है, वैसे रेक्सी को मिस कर रहे हो या नहीं? नहीं, न्यू वाला डॉग आएगा उसको तुम मिस नहीं करने वाले दोस्तों, बहुत ही अग्रेसिव डॉग आने वाला है। लेकिन भाई एक दो दिन जो है ना तुम लोगों को मेरे साथ और सबर करना पड़ेगा, काफी दूर से मैं मंगवा रहा हूं, तो भाई उसको आने में जो है ना पता नहीं वीजा शीजा चाहिए होगा, उसको यूके से आ रहा है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पेट हाउस। तो यार कैसे हो आप सब, अपना तो बस पुराना है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा और मजे में हम भी। ऐसा जो है ना सबसे पहले पिजन्स को निकालने चला गया है, जिन्होंने अंडे दिए हुए उनको बाहर नहीं निकालना, बाकी सबको निकाल दो। और शेराजी मादी आज फिर से ना बाहर ही घूम रही है, मुझे लगता है इसके अंडे दोस्तों खराब हो जाएंगे। मगर क्यों, जो व्हाइट वाला नर है ना वो इस मादी को बैठने नहीं देता अंडों के ऊपर, बाहर ही घूमती रहती है हर टाइम, बाहर निकाल दे, अंडों वालों को नहीं निकालना। ऐसा इस वाले पिजन ने भी बच्चे निकाले हुए हैं दोस्तों। हमारा एक पिजन जो ये कोने से बाहर आ रहा है ना, इसने भी बच्चे निकाले हुए थे, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि भाई इसने अंडे भी दिए और बच्चे भी निकाल दिए हैं। इसके बच्चे जो है ना काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, ये चेक करो कितने प्यारे हैं यार, ये व्हाइट कलर के लग रहे हैं मुझे तो यार, बहुत ही क्यूट बच्चे। और अचानक से मुझे ये सरप्राइज मिला, मुझे भी नहीं पता था कि इस वाले पिजन ने ना बच्चे निकाल दिए हुए हैं, यहाँ पे इसने छुपके अंडे दिए और साथ ही ना छुप छुपा के बच्चे भी निकाल दिए हैं। और ये वाली मादी का एक बच्चा जो है ना बिल्कुल तंदुरुस्त है, ये हर टाइम छुपा के बैठ रहती है भाई, मारती भी आगे से। और ये अंडे हैं हमारे शेराजी मादी के, जो कि भाई अंडों के ऊपर बैठना पसंद नहीं करती, पसंद तो करती है लेकिन इसको व्हाइट वाला हमारा एक पिजन है वो बहुत मारता है, जिसकी वजह से ये बैठती नहीं। ऐसे बाहर निकाल दे, कितने ऊपर गए हैं, तीन पिजन हमारे जो है ना ऊपर गए हुए हैं, बाकी कोई भी नहीं। ऐसे निकाल इनको यार, ऐसा पता नहीं पिजन्स के साथ अंदर खेल रहा है मुझे लगता है, निकाल दे आ जा। A few moments later. बस रुक जा रुक जा रुक जा उमर, इसको आगे नहीं जाने देना, अगर तो ये जंगल की साइड निकल गया ना भाई फिर ये पकड़ने नहीं होगा। पकड़ ले, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फ्लाई भी बहुत हाई मारता है यार, दीवारों के ऊपर चला जाएगा आराम से, ट्रिक से पकड़ना पड़ेगा इसको, दीवार के पास ला, यहाँ से कवर करते हैं। अच्छा अब एक गलियों में भगाएगा यार आज ही हमें, ये जा रहा है, आ जा आ जा आ जा आ जा, जा। बस 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 जाने दे इसको, दीवार पे जाने दे, सैन में चला गया ना किसी के, पकड़ लेंगे वहां से। ले ले ले, अबे नीचे उतर गया है वो, उधर चला गया यार फसल की साइड पे, यहां से जंप लगाना पड़ेगा, 1 2 3। दोस्तों ये किसी के खेत में चारा लगा हुआ है वहां पे आ गया। उमर आगे से जा, मैं पीछे से आता हूँ, आगे से पहुंच, बंद है बंद है बंद है। ठीक है अबे यार दोस्तों आज ये मुझे लगता है बहुत ही भगाने वाले हमें, ये हाथ पे ले के नहीं, नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों हमने मुर्गा छोड़ के भी कोशिश की है लेकिन भाई ये मुर्गा जो है ना हाथ ही नहीं आ रहा, अभी गली में चला गया। उमर यहाँ से चांस है पकड़ने का इसको, थोड़ा सा आगे ले जा, पकड़ लेते हैं, चला चला चले सीधा बैठ। दोस्तों फाइनली मिनीज़ू के पास हम इसको ले आए हैं, गेट खोलते हैं, उमर ये अंदर चला जाएगा, आगे नहीं, ओ यार इधर उतर गया। लोग फाइनली मुर्गे को जो है पकड़ के ले आए हैं, जैसे मैं तुम लोगों को रिवील करने लगा था भाई मैंने केज खोला, मैंने कहा इसको बंद कर देंगे, लेकिन भाई मुर्गा यहाँ से जैसे ही उतरा ना रॉकी इसके पीछे लगे और ये यहाँ दीवार से नीचे वो सामने चला गया था, बहुत सांस चढ़ गया यार मुझे, पूरे मोहल्ले में मुझे इसने भगाया। इसको उमर केज के अंदर बंद करना है यार, वो गोल वाला केज ले, ये छोटे वाला इसके अंदर बंद करते हैं दोस्तों इसको। और आज हमारे जो इनक्यूबेटर के अंदर हमने एग्स लगाए थे पिछले दिनों, वो भी मैंने तुम लोगों को दिखाने हैं कि भाई इनमें से बच्चे निकले हैं या खराब हो गए हैं वो, नीचे जाके तुम लोगों को चेक कराता हूं। चल भाई यहां पे रैप बांध के दिखा। दोस्तों हमारी देसी मुर्गियों के साथ ना असील मुर्गे घूमते रहते थे, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना देसी मुर्गियों के साथ जो देसी मुर्गा लाया जाए, लेकिन देसी मुर्गे ने भाई मुझे देसी मुर्गा बना दिया है, पूरे मोहल्ले में मेरे और उमर के राउंड कराए हैं। लेकिन भाई तुम लोगों ने पूरे मजे लिए, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुम लोगों में से, जिन लोगों ने नहीं ना किया ला दे बला चप्पल ला अपने।
दोस्तों जो अंडे हमने इस इनक्यूबेटर के अंदर रखे थे ना उनके ऊपर पहले से एक मुर्गी बैठी हुई थी जो कि 10 दिन बैठने के बाद अल्लाह को प्यारी होगी, तो वो अंडे हमने ना इनक्यूबेटर के अंदर लगा दिए थे। 12 दिन हमने मजीद रखना था लेकिन अभी मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हुए हैं, तो रिजल्ट्स मैं तुम लोगों को चेक कराता हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आगे ले आओ भाई, अंडे गायब हो गए हैं बीच में से, सारे के सारे अंडे पीछे चले गए हुए हैं। दोस्तों इनको काफी ज्यादा हैच होने के बाद एक अंडे के ऊपर ये तुम लोग चेक कर सकते हो भाई, ये अंडा जो है ना गंदा हो गया हुआ है, सारे अंडे इसी तरह, किसी अंडे के अंदर जो है बच्चा बच्चा नहीं निकला हुआ। मैंने सबकी कैंडलिंग करके चेक किया, अगर इनको मैं तोड़ दूंगा अभी तो ये खराब हो जाएंगे। वैसे एक तोड़ लेते हैं, 1 2 3 टप। दोस्तों इस अंडे को मैंने तोड़ तो दिया लेकिन इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, शुक्र है मैंने सारे नहीं तोड़ दिया वरना पूरे घर में स्मेल आती थी। कैसी स्मेल है, क्या हुआ है, वोमिट आ रही है ना दोस्तों, इतनी गंदी स्मेल है, शुक्र आपने सारे ने तोड़ दिए वरना पूरे घर में स्मेल आ रही थी। थोड़ा सा आगे जा, थोड़ा सा आगे, एक बार और ओ भाई साहब, दोस्तों वाकई मेरा बहुत ज्यादा वॉमिट आ रही है यार, बड़ी गंदी स्मेल है इसकी। चलो ऊपर चलो, नीचे नहीं जाना भाई, बड़ी अजीब स्मेल है नीचे। दोस्तों दाना में लेके आ गए, वो रोटियां और चावल तो मैंने इनको दिन को डाल दिए थे लेकिन अभी दाने का टाइम हो गया, पहले बंद वाले मुर्गों को डाल देते हैं। ये लो भाई, और रैबिट्स भी आ गए सारे दाना खाने के लिए। आज रैबिट्स ने ना बड़ा इंजॉय मार लिया है लेकिन अब इनको बंद करने का टाइम हो गया क्योंकि भाई बिल्लियां हमारी जो तड़प रही हैं अंदर। आ जाओ तुम लोगों को खोल देता हूं लेकिन पहले रैबिट्स को बंद करना पड़ेगा। राफे रैबिट्स को एक एक करके बंद कर दो। और पिजन्स हमारे सारे लैंड हो चुके हैं भाई, पूरा दिन हवा में रहे हैं ये, अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुए हैं। इनका केज भी खोल देते हैं ताकि अंदर चले जाएं, वेट कर रहे हैं ये। आ जाओ भाई तुम लोग, चलो दोस्तों। राफे ने सारे रैबिट्स को बंद कर दिया, अबे नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इनको मैं बंद ही करने लगा था यार, ये फिर से उड़ गए हैं। कैट्स को हम लोग खोल देते हैं। एक पिजन ये वाला नीचे, इसको बंद कर दो राफे, केज बंद कर दे, मैं कैट्स को खोलने लगा हूं। दोस्तों कैट्स की डाइट का भी टाइम हो गया, सुबह मैंने इनको डाइट डाली थी और अभी ये सारी बाहर आने को बेताब है। पिजन हमारे ऊपर, ये बंद कर दे केज। चलो भाई आ जाओ, मानी क्या हाल चाल है तुम्हारे, पहले से आराम है। दोस्तों बेबी कैट सारी मेरे पीछे पीछे आ रही है, मुझे लगता है इनको भूख लगी है, इनको डाइट ला के डालते हैं। हमारे डक्स को पता नहीं क्या मिल गया, उसके अंदर कारपेट के पास जाके कहाँ कर रही हैं, क्या मिला है। दोस्तों कैट्स ने ना अपनी डाइट खा ली हुई है और मैं सोच रहा था कि मुर्गी ने ना आज अंडा नहीं दिया, ये वैसे ही आवाजें लगा रही है लेकिन भाई कारपेट जैसे ही मैंने उठा के वापस रखी अंडा तो ये नीचे पड़ा हुआ था। हाय हाय, मैं सोच रहा था कि अंदर इसने अंडा दिया होगा लेकिन अंडा ये बाहर ही दे के चली गई है। मानी अंडा खाएगी, हाँ ये कर लो पहले। दोस्तों न्यू वाले मुर्गे को मैंने अंदर बंद कर दिया था, अभी इसको खोल दिया दाना खाने के लिए वरना ये बाकी मुर्गों से लड़ाई करने लग जाता है। इन दोनों को मैंने पक्का अंदर बंद किया हुआ है। भजी इसको मैंने डाइट डाल दी हुई है। और यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह तुम लोग नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।